अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। लुक एट मी, आई एम ऑल रेडी फॉर द बारात टुडे। कल का व्लॉग अगर आपने देखा है तो यू सॉ द मेहंदी पार्ट एंड नाउ टुडे इज द बारात। आई एम वेयरिंग द स्टनिंग 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 आउटफिट बाय बॉडी फोकस म्यूजियम एंड आई हैव डन अ फुल बार्बी पोनी विद सम कर्ल्स। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, एंड अ रेड लिप एंड अ फुल लाइक अरब स्टाइल लाइनर लंबा सा, एंड दैट्स माय लुक। अभी आपको फुल लुक दिखाती हूँ। आज मैंने खुद से पहने, गाइस आई एम जस्ट इन द मूड टू स्टे अ बिट कंफर्टेबल, हील्स का मूड नहीं था। सो लेट मी शो यू द फुल लुक एंड देन लेट्स गेट गोइंग। दिस इज द फुल लुक यू गाइस, आई हैव कंट्रास्टेड इट विद अ ग्रीन क्लच, और ये इस तरह ऊपर केप है, नीचे बहुत घेर वाली इसकी शर्ट है, एंड देन दिस, और थोड़ी सी इसकी लेंथ गरारे की मुझे ऊपर थी तो मैंने साथ खुद सही पहन लिया। हील पहनो तो बहुत ऊंचा हो जाता है, एंड दिस इज माई बिग फ्लफी बार्बी पोनी। सो या वी आर रेडी टू गो, लेट्स गो। Okay, we have made it to Marriott a little bit late once again. I don't know, is shaadi mein meri timing bahut off. Actually meri timing itni off nahi thi, the traffic was really bad. But it's okay, we've made it. Maine apni friend ko text kiya tha, she said the bride is just entering, so it's okay. We're not like super late, so it's fine. Let me just find where we need to go. One second. That's our food, guys. That's Rohina's plate. Rohina, you okay being on camera? Yeah. Okay, she is. That's my beautiful friend. Iska main aap logo ko kal batayi thi ki I met her after ages. Oh my god. Also, I love the display, the wooden display. It's so nice. But हम पहले खाना खा लें, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। Osama's also here, guys. He's also busy eating. Okay, you guys. Okay, you guys. We're done with the event. बड़ा मजा आया. It was really two very lovely days with some school friends. We had a great time. I love these little lights. मैं अपने घर के garden में एक दरख्त ऐसा बनाऊंगी जिसपे मैं ऐसे lights लपेटूंगी. इतनी प्यारी लग रही है. Anyway, we had a lot of fun, but now we have to go back because Bullet भी घर पे अकेला है और यहाँ से हमारा घर भी बहुत दूर है. So let's get going back home. Sorry, I didn't get to show you guys the event, but it's somebody's personal event, like a private thing. So फिर मैंने ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखाया, unfortunately, but मैंने कहा अपनी look तो मैं आपको दिखा दूँ. Okay, guys, I'm just about to wash off my makeup, but I thought I'll show you. Look how lovely the makeup looked. The red lipstick was a combination of लिप लाइन, मैंने इससे किया था रेवोल्यूशन वेलवेट लिप किस क्रेयॉन था, ये मरून से कलर में, ब्राउन मिश मरून, एंड देन ऊपर मैंने अपना नार्स का रेड लगाया था जिसका नाम है डोंट स्टॉप. सो डोंट स्टॉप इज द रेड कलर, एंड देन आई लाइंड इट विद दिस मरूनिश वन, एंड इट लुक्स सो गुड, एंड इट लास्टेड ऑलमोस्ट ऑल द नाइट. थोड़ा सा अपस्मज हो रहा है, बट जनरली वॉज नाइस. एंड देन माई फाउंडेशन वॉज आईना ब्यूटी का ये सैंड, literally just this tinted moisturizer. It's not even a full foundation, but look how flawless. And then I did a little bit of blush and just a liner, and that's it. And my classic kichivi pony. I was going to do a bun, but maine kaha itne piche curl pyare hue hain to pony rehne deti hu. So then I did the pony, but now I need to go and wash all this off, guys. So I will see you after I washed off my face. अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और हमारी तरह बीमार नहीं है. हमारी आपको आवाज़ों से भी पता चल रहा होगा, मेरी तो कुछ आर यू डन योनिक बेचारा सामा इज नॉट वेल गाइस, इवन आई एम नॉट वेल, नन ऑफ अस आर वेल, एवरीबॉडी इन द हाउस इज सिक. सबसे पहले माय मदर इन लॉ वाज सिक, देन गाजी गॉट रियली सिक, आई एम रियली सिक, सामा इज रियली सिक, वी ऑल रियली रियली सिक. शुक्र सामा के अबू बचे हैं अभी तक, बट अबू स्टिल है ना, मगर हमें बहुत डर लगा हुआ है क्योंकि सारों की बारी हुई है तो उनकी भी अब होगी, बट एटलीस्ट बाई देन होपफुली विल बी वेल, सो देन वी कैन लुक आफ्टर हिम. बट एनी वे गाइज, तीन दिन हम लोग बिल्कुल छुट्टी टाइम पे थे, रेस्ट कम्प्लीट रेस्ट, लाइक देर वॉज नो अदर ऑप्शन, वी हैड टू रेस्ट बिकॉज वी वर ऑल सो सिक, देर वॉज नो एनर्जी, देर वॉज नो लाइक नथिंग, और बुखार हुए हुए थे बहुत सख्त. Like Osama and I literally had 102-103 fever the whole पूरी रात, और काफ़ी सीन ऑफ था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना बीमार लास्ट हम मेरा ख्याल है पिछले साल ही हुए थे, और फिर अब इस साल ना हो, लाइक वट इज़ दिस मैन डूइंग, फ़ोन में लगे हुए अंकल, वेरी बैड अंकल, टेक्स्ट थोड़ी कर सकते फ़ोन पकड़ के ऐसे. एनी वे गाइज, फाइनली देन आज हमारी थोड़ी से बुखार टूटे सुबह हम दोनों के, शुक्र है, और थोड़ी थोड़ी आवाज़ें हमारी, उसामा स्टिल कॉफिंग रियली बैडली, मुझे शुक्र है कॉफ इतनी नहीं है, बट प्लीज़ आप लोग अपना सब लोग ख्याल रखें, मास्क शास्क पहन के रखें. अभी हमने गाड़ी में उतारे हुए, वरना हम लोग घर के अंदर भी
कोई और आ रहा है, इवन लाइक इफ द क्लीनिंग स्टाफ इज कमिंग, तो हम लोग मास्क लगा लेते हैं बिकॉज आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट सिक बिकॉज ऑफ अस, बट लगा के रखे बिकॉज इट्स इन द एयर. जिससे बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि लाइक इट्स प्रीटी बैड, है ना. इवन एट हिज वर्क प्लेस पीपल आर सिक. एमन भी मुझे बता रही थी कि हॉस्पिटल में भी बहुत सारे जो केसेस आ रहे हैं वो यही हैं कि लाइक सबको ये वायरल और ये फैला हुआ फ्लू टाइप. वी डिड आवर कोविड टेस्ट ऑल्सो यस्टरडे जस्ट टू बी सेफ एंड जस्ट टू बी श्योर दैट इट्स नॉट कोविड, क्योंकि फिर तो फुल आइसोलेशन होनी थी. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर थे. सो इट्स प्रॉब्ली जस्ट दैट रियली बैड इन्फ्लुएंजा, बट या वट कैन वी डू एनी वे. तो आज खैर फाइनली हम लोग थोड़े बेहतर आवाज़, हालांकि अभी भी बहुत गंदी स्टफी हुई है, मुझे बोलते हुए पता चल रहा है. इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बाल अच्छी तरह बना सकूँ, तो मैंने कहा बस जूड़ा ही बना के रखते हैं. Osama looks very handsome. I can't show you him, but he looks very nice. He's wearing a very nice shirt that we got in London, and he looks pretty cool. लेकिन खैर अब हम लोग, मुझे नहीं पता क्या प्लान है. पहले हमने एक प्लान बनाया, फिर हमने वो प्लान कैंसिल किया. Osama का कुछ काम था, हमने कहा चलो वो करने चलते हैं. अब हम लोग गाड़ी में कॉन्टम्पलेट करेंगे वो भी करें कि ना करें, बस ऐसे ही ड्राइव करके थोड़ा इस्लामाबाद की फ्रेश एयर घूम के आ जाते हैं. तो जस्ट टू चीयर अस आवर सेल्व्स अप अ लिटिल बिट. तो अभी निकले हैं, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं और देखते हैं कि what are the plans. This is sunset, it's no filter, nothing. Look at Austin. So nice. Yahan to sab blue hai, wo tha piche orange and pink. Guys, we stopped at the gas station to pick up medicine and एक मिनट में आप लोगों को जरा ट्राईपॉड पे लगा के जरा चिलिंग करके बातें करूं. सो वी स्टॉप्ड एट द गैस स्टेशन टू पिक अप वाटर एंड मेडिसिन फॉर मी पैनरोल, क्योंकि मुझे फिर से बुखार शुरू हो रहा है. बट एनीवे उसामा उतर के गया तो मैं सोच जल्दी से आप लोगों को बता दूं. सो बेसिकली इट्स आवर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक, ठीक है, लाइक आवर फोर्थ ईयर वेडिंग एनिवर्सरी माशाल्लाह से. एंड ही वॉज प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर मी एंड देन आई फिगर्ड आउट द प्लान बिकॉज मुझे हमेशा पता चल जाता है ही इज नॉट गुड एट कीपिंग देम. खैर फिर हुआ ये कि आई एंडेड अप टेलिंग हिम दैट लाइक यू कैन प्लान अ सरप्राइज, इट्स फाइन, like a celebration. Oh, he's back guys, but like don't surprise me with a gift because I want to choose my gift because you waste money otherwise. Okay, he's back guys, BRB. Thanks. Did you taste the other water? No thank you, it's rotten. Ganda pani. Okay guys, we got a new bottle of water. Jo pani ki bottle gaadi mein maine la ke rakhi वो पता नहीं बहुत गंदा पानी था, समझ नहीं आई कि क्या हुआ उस पानी को, बट द वाटर वाज रॉटन. यू नो वाटर रॉट्स टू बाय द वे गाइस. एनीवे अब हम निकल गए हैं, दोबारा पहुंचते हैं फिर आपको बताते हैं. लुक नाउ गाइस, ऑफ हाउस एंड लाइन किंग की याद आ रही है ये आसमान देख के, है ना, कितना. लेकिन बस सड़क ने सारा एस्थेटिक खराब किया हुआ है. पता नहीं कौन सा नया पाकिस्तान बनेगा, समझ से बाहर है. हर अच्छी सड़क को बिल्कुल इन्होंने खराब करके रख दिया है. अभी बनी थी ये सड़क, फिर उन्होंने उखाड़ दी पूरी. एनीवे गाइस, इफ यू हैवंट हर्ड ऑफ दिस प्लेड दिस सॉन्ग येट, यू मस्ट लिसन टू इट, इट्स कॉल्ड सपना बाय बयान. बहुत अच्छा गाना है, इसको आपको सुनना चाहिए. द स्काई इज मैजिकल टुडे, वाओ. हाय गाइस, दिस इज मी, वी आर हारून्स नाउ एंड दे हैव लवली थिंग्स, लाइक सब कुछ ही बहुत अच्छा है. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या, लाइक दिस लिटिल प्लांट्स आर सो नाइस. And then there's this candle stand that is so nice. Look at this. It's like marble. Aur upar aisa itna khoobsurat hai. Bahut pyara. And they have some sale also. Oh, uske sath matching wo bhi hai. Centerpiece bhi hai. Ye dekho, center table ho na, coffee table, uske upar kitna acha lage. And they have this big lantern wale ye bhi. Yahan pe kya hai jahan aap khade the? ओ ये वो गार्डनिंग बोर्ड्स एंड स्टफ एंड देन दिस वुडन बॉक्सेस, हाउ नाइस, सो नाइस. लेकिन जो मैं लेने आई थी ना वो आपको दिखाती हूँ. मैं लेने आई थी बेसिकली ये रमशा ने ख़रीदा था ये, एंड आई रियली लाइक्ड इट. सो नाउ आई हैव कम टू बाय माय सेल्फ वन ऑल्सो. इवन बाथरूम की सोप डिश भी हो सकती है वैसे भी. इवन यू कैन इवन मेक दीज लाइक लिटल सर्विंग डिशेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दे इवन हैव अडोरेबल टर्टल वन, इमेजिन लाइक हैविंग सम लिटल चटनी इन दिस टर्टल, ऑफ सो क्यूट. यू डोंट नेसेसरली हैव टू यूज दिस फॉर बाथरूम्स एंड स्टफ, लिटरली यू कैन सर्व लाइक लिटल चटनी इन दिस एंड इट वुड लुक सो नाइस. देयर इज अनदर बर्ड वन, बट इस पर ये थोड़ी कलर्ड बर्ड्स हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इनको देख के. Then there's a lot of different leaf styles. एक ये पिंक भी है,
पिंक लोटस फ्लावर विद टू वाइट बर्ड्स, ये भी बहुत ही स्वीट है. एंड देन देयर इज दिस लिटिल आउल प्लेट्स, मे बी फॉर लाइक अक्टूबर. ऑटम में कितनी अच्छी लगे इनकी चाय के साथ, इनके अंदर बिस्किट्स रख के. कितने की है? 1790, नॉट बैड. गाइस इनके पास इतने सारे ये मज़े मज़े के टम्बलर्स और लाइक बॉटल्स एंड सिपी कप्स एंड ऑल दोस. आई लव दिस वन, दिस सॉलिड कलर कितना अच्छा है. ये समझ नहीं आ रही कि ग्लास पे है आई मिस यू क्यों लिखा होना ज़रूरी था. वो भी सॉलिड कलर्स वाले बहुत अच्छे हैं. आई डोंट नो इनकी प्राइस क्या है, मैं उठा के देखो. लंबा होने का ये फ़ायदा है. 2290, ओके नॉट बैड, नॉट बैड. But 2290, that's not bad at all. This is cute. This blah 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 one is nice. Sweet. Sweet. Okay, let's go back down. Hi guys, this is me. Okay guys, now we're just walking around Islamabad and Islamabad's vibes. पहले जो मैं दुकान पे थी उसका नाम है हारून्स. हारून्स यहाँ बहुत पॉपुलर दुकान है. हर wow, I sound so bad. Oh my god. Anyway, यहाँ almost हर इलाके में ही हारून्स है. DHA में भी है, गीगा मॉल में भी है. Okay, now it's too dark. Okay guys, we're at Safagol Mall now. Not that I need anything, but हम इस्लामाबाद की वाइब चेक करते करते लाइक वॉक करते करते यहाँ पहुँच गए. गाड़ी हमने वो उधर खड़ी की हुई. And now we've reached here. We're actually looking for jewelers. Which are Let's see क्या बनता है. ये कितने अच्छे नेवी ब्लू, भी कितने अच्छे. ये कितने अच्छे क्रॉक्स हैं यार. वी स्मॉल 18,000, इट्स क्रेजी. गाइस दिस स्टोर इन सफागोल मॉल आल्सो हैज अग्स. हाउ लवली. अगर आप लोग ओरिजिनल अग्स ढूंढ रहे हैं तो इस दुकान पे वो भी हैं. और ये वाला कलर भी है जो बाकी जगह तो हर जगह सोल्ड आउट है एक्चुअली. हाउ नाइस. आई डिडंट नो दे हैव दिस. इवन दे हैव इवन दिस स्लिपर्स. Lovely and the moccasins also. Dekho, they have original Uggs. How nice. This is the nicest, softest thing. Winter Raj. हाँ, वो भी वाले बहुत अच्छे हैं ये वाले. So nice. What are these? Oh, these are Timberland. जहाँ आपके ऐसे हमने जूते भी लिए थे, कहाँ गए? कभी नहीं पहने पाकिस्तान आके आपने दोबारा. वो भी पहना करो. अब वो भी निकाला करो. शुक्रिया भाई, thank you. They have these black and blue crocs, but extremely expensive. Extreme expensive, guys. ये क्या दुकान का नाम क्या था? Penta Sports पे हैं. They have a lot of different options, but बाहर से ही खरीदें, कम से कम प्राइस और बेहतर डील पे मिल जाते हैं. इधर तो बहुत महंगे हैं भाई. हाय, फिर से नाक बंद हो रहा है. ऊपर से सईद गनी के इतरों ने तो जो दिमाग घुमाया है ना. चलो let's go back to the Islu vibes. Let's see what we were here for first. Okay, what is that? नहीं, हाँ वो चलो. ओके गाइज, वी विल स्पीक टू यू इन अ बिट. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं. आई डोंट नो अगर इस व्लॉग में आप लोग दूसरे दिन का व्लॉग लाइक दूसरे दो तीन दिन के व्लॉग के क्लिप्स भी देख रहे होंगे या नहीं. आई एम नॉट टू श्योर, बट मैंने कहा दोबारा से सलाम कर दूँ बिकॉज इट इज़ अनदर डे टुडे. कुछ दिन से हम लोग काफ़ी बीमार थे. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर ओके. एंड वी हैड अ लॉन्ग इनक्यूबेशन टाइम घर में रह के. हमने बिल्कुल अपने आप को रिकवर किया है कि किसी और को हमसे ना लगे, कुछ ना हो. सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल ओके. और अब हम कुछ बाहर निकलना शुरू हुए हैं. तो आज मेरे काफ़ी सारे काम पेंडिंग रह गए हुए थे. एक तो यू कैन सी माई नेल्स, वो उतर गए तो मुझे अपने दोबारा नेल्स करवाने हैं. माई वेडिंग एनिवर्सरी इज कमिंग अप एंड आई रियली वॉन्ट टू डू लाइक मरून काइंड ऑफ नेल्स या फिर फ्रेंच मैनिक्योर या ऐसा कुछ. तो अभी जाके उससे मैं टेस्टिंग दो लगवाऊंगी, तो एक फ्रेंच एक वो मरून. एंड आई विल सी व्हाट लुक्स बेटर ऑन माई हैंड्स. वैसे तो आई हैव डन मरून बिफोर अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो मुझे मरून अपने ऊपर अच्छा लगता है. तो आई फील लाइक आई वॉन्ट डू मरून दिस टाइम. लेट्स सी कि क्या सीन है. और फिर आज टेलर से कपड़े भी पिक करने थे मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे. तो देखते हैं कि वो आज फ़ोन उठाते हैं तो कपड़े भी फिर उनसे लेने जाएंगे. सो फार ही हैज़ नॉट पिक्ड अप द फ़ोन. तो जब वो फ़ोन नहीं उठाते तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि उन्होंने कपड़े नहीं बनाए अभी तक. बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग के बना दिए हों बिकॉज
10 दिन उन्होंने कहे थे और 12वां दिन आज हुआ हुआ है और अभी भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आई डोंट नो क्या मसला चल रहा है। उसके अलावा कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्विक सी क्लॉजेट सेल की थी, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी सारे कपड़े मेरे पास पड़े हुए होते हैं जो लाइक आई डोंट गेट टू वेयर देम इनफ टाइम्स, क्योंकि आप यू नो द नेचर ऑफ माई जॉब इज सच कि मैं इतने ज़्यादा वो भी रीयूज़ नहीं करती, तो वो मैंने एक एक दो दो दफ़ा बस मैक्सिमम पहने होते हैं किसी शूट के लिए या बस कुछ इसी तरह की शूट ही होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो वो फिर देन आई ट्राई टू सेल देम आउट के किसी और के काम आ जाएं, एंड ऑब्वियसली मैं फुल प्राइस पे कभी भी नहीं बेचती। ये वाले सारे जो कल मैंने सेल किए क्वार्टर प्राइस पे थे, मतलब अगर कोई ये अंकल इतना तेज़ गाड़ी चला रहे हैं मेरे पीछे वाले, एनीवे अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक आउटफिट मुझे 40,000 का पड़ा है या ओरिजिनल प्राइस उसकी 40-45,000 की है, तो आई सोल्ड इट येस्टरडे फॉर लाइक 10K बेयरली। तो इस तरह से फिर आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है, जो भी इंस्टाग्राम स्टोरीज मेरी फॉलो करते हैं उनका फ़ायदा हो जाता है। काफ़ी सारे वेडिंग टाइप के कपड़े थे और एक लड़की थी जिनकी अभी वो शादी के कपड़ों के लिए वो कर रही थी, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसको काफ़ी सारे कपड़े मिल गए जो बहुत मतलब एंड देर लिटरली मतलब वन टाइम वेयर भी नहीं है, बिकॉज मतलब बात यह है कि लाइक आई डोंट इवन वेयर इट फॉर द स्पैन ऑफ अ होल इवेंट ना, मतलब मैंने कोई 3-4 घंटे की किसी शादी पर भी वो नहीं पहने होते, मैंने बस वो एक 25-30 मिनट के शूट के लिए पहने हुए होते हैं, सो ब्रांड न्यू होते हैं वो, तो वो आप वो सेइंग वाज कि तो वो फिर यू नो काफ़ी उसमें फ़ायदा हो जाता है, सो वो भी पीछे लटके हुए हैं। आई हैव टू मेल दोज वापसी पे जाके TCS रुक के वो भी मेल करने हैं, और मैं तो अक्सर लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टाफ वो काफ़ी उनके पास मज़े मज़े के कपड़े होते हैं, और अगेन वो मुझे पता ही होता है कि उन्होंने बस थोड़ी सी देर के लिए शूट वगैरह के लिए पहने हुए, तो मैं तो खुद भी आई लव बाइंग फ्रॉम समवन एल्सेस क्लोज़ेट, क्योंकि आपको एक तो इतना अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है उन कपड़ों के ऊपर और ब्रांड न्यू होते हैं और काफ़ी यूनिक भी होते हैं, अक्सर लोगों के पास काफ़ी कपड़े जो यूजुअली आपकी आंख से नज़र से ना गुजरे हों, अक्सर ऐसे होता है कि वो आपकी नज़र से नहीं गुजरे होते, तो या वो सोल्ड आउट होते हैं कम्प्लीटली और वो आप नहीं मिल पा रहे होते, तो वो किसी के थ्रू आपको मिल जाते हैं, सो आई लव दिस रोटेटिंग क्लॉजेट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, मुझे बड़ा पसंद है। तो खैर तो ये हो रहा था, तो वो मैंने अब TCS करने हैं और नेल्स करवाने हैं और टेलर के पास जाना है, कुछ इस तरह के 3-4 काम है, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ। सॉरी कि इतने दिन से 4-5 दिन से व्लॉग का इतना सिलसिला नहीं सही से चल पा रहा था, बिकॉज एज आई मेंशन कि बहुत ज़्यादा हम लोग बीमार हुए थे, जुकाम गले ख़राब बुखार इतना हाई टेम्परेचर था कि वो टूटता नहीं था, वी हैड टू डू कोल्ड स्पंजिंग, वो ठंडी पट्टियाँ और वो लगा के, तो हमने अपने सारों को घर में सबको हो जाए तो फिर कोई आपका ख्याल भी कैसे रखे, बिकॉज सभी बीमार है ना, तो हर किसी फिर लाइक वो सीन भी एक था, तो या एनीवे गाइस इफ एनी ऑफ यू नो वेयर आई कैन गेट अ बेटर ट्राइपॉड फॉर द कार प्लीज लेट मी नो, बिकॉज दिस ट्राइपॉड डिडंट वर्क आउट, इतनी मैं खुश थी इससे पहले 2-3 दिन और अब ये बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, पता नहीं फोन का वजन नहीं ले रहा, आई डोंट इवन नो हाउ कम आईफोन 15 प्रो मैक्स इतना ज्यादा भारी है, मुझे नहीं पता, इतना वेट तो इसका नहीं है, मेरा तो 14 भी इतना ही वेट का था, आई डोंट नो वट द सिचुएशन इज, इवन दो जब मैंने ऑर्डर किया था उसमें लिखा हुआ था कंपेटेबल फॉर आईफोन 15-14 प्रो मैक्स एवरीथिंग, सो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, एनीवे नाउ आई एम ऑन माई वे गाइस, पहुंच के फिर आप लोगों को बताती हूँ। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो आई गो टू रॉयली सैलॉन इन चकलाला स्कीम 3, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर सैलॉन्स टू, बट रॉयली पे अब मेरा बन गया एक सिस्टम, वो एक लड़की है निशा, उसको पता है कि मेरे नेल्स कैसे करने होते हैं, क्या शेप करनी होती है, ऑल दैट, सो वो बड़े आराम से कर देती है, उसको कलर भी पता है, शेप भी पता है सब, सो आई डोंट इवन हैव टू टेल हर मच, कोई नया इंसान होता है फिर उसको पूरा बताना पड़ता है दोबारा, बिकॉज आई एम अ बिट पर्टिकुलर लाइक दैट, तो निशा के ये है कि मैं बस आगे लिटरली हाथ जाके रखती हूँ, निशा डज इट, सो अभी तो खैर बहुत ख़राब हुए हैं, हैव टू गेट दिस फिक्स्ड, बट ये सीन है गाइस, सो अब पहुँचती हूँ फिर आप लोगों से और बातचीत करती हूँ वहाँ जाके। एट द सैलॉन, दिस इज सैलॉन, आई कांट शो यू द अदर साइड बिकॉज़ लोग बैठे हुए हैं, बट दिस इज वेयर आई कम इज रॉयली, ओके, एंड ये इनका शेड कार्ड होता है, अभी तो मैंने नाखून आप इग्नोर ही कर दें जो हाल है, बट दिस इज द वो, और इस दफ़ा ना इन टोन्स में जाना है, मोस्ट लाइकली दिस वन 52, निशा इस दफ़ा ये वाला करना है, थोड़ा ऐसे लाइक मरूनिश, या ये ठीक है, पहले हम हमेशा ये करते हैं ये वाला, बट अब ये नहीं करना, थोड़ा डिफरेंट हम करना शुरू करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। द नेल्स आर डन, दिस टाइम आई वेंट फॉर लाइक अ रेडिश मरून, ये अभी ज़्यादा ही रेड लग रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी मरून, बट दिस टाइम उसामा सेड के गेट समथिंग मरूनिश, तो मैंने कहा ओके, पता नहीं इतना लाल क्यों लग रहा है, समझ नहीं आ रही, बट लुक्स वेरी नाइस। TCS now, everything is going in its boxes. A cost by Alia from Shaka Jawapita, I sold it, so it's going in its box. The other one is going in that box. Everything is
going as is. जैसे मुझे मिले थे उसी तरह जा रहे हैं. ऑल्सो माई नेल्स लुक सो मच मोर मरून ना. बट या अभी ये टी सी एस वाला काम करते हैं. ये सिर्फ आज हम कर रहे हैं पार्टी. बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक और कुक एनीथिंग. दिस इज़ अ न्यू प्लेस दैट ओपन लास्ट क्रम. सो इससे हमने कुछ कुकीज़ ली हैं. ये कुकीज़ बनाते हैं मेरे लिए. और ये हमारे डेली डेली के बर्गर हैं. एक उसामा का, एक मेरा है. कितने दिन बाद हमें वैसे ही जायके आए हैं. और कुछ गले और नाक सब ठीक हुए हैं. तो हमने कहा चलो आज थोड़ी लुक मचाई है, समय निकालो. प्लेटें नहीं लाने लेके आती हूँ. प्लेटें या ही नहीं मैं खा लेंगे डब्बा है ना. उसमें से निकाल लेते ना. ठीक है. ओह यम. दीज आर द फ्राइज. यार हाथ से खा लें फिलहाल तो भूख जितनी लगी. बर्गर्स किस में है इसमें? इसको खोलो. नहीं साथ साथ खाएंगे ना. फ्राइज तो साइड डिश होती है. पूरी थोड़ी साथ खा लेनी होती है. एक चीज़ का क्या मतलब है? ऊपर लिखा नहीं होगा थंडर फिले. तो निकालो दूसरा. निकालो शायद एक पे किया. एक बीफ एक चिकन है आपका. चिकन तो अनरैप करके ही देखते हैं कि कौन सा क्या है. ये क्या लग रहा है? ये बीफ लग रहा है. ये तो बारबेक्यू लग रहा है. ये आपका. ये लग रहा है चिकन. चेक करूँ पता चले सब उल्टा ही हो जाए. हाँ ये चिकन. परफेक्ट. सो दीज आर आवर बर्गर्स गाइस. उसमें कुकीज़ हैं वो भी हम खोल के खाएंगे तो आपको खाएंगे. कुकीज़ बर्गर्स तो हम खा गए. हाय ओके. फर्स्ट इम्प्रेशन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड. ये तो वो पतले वाले. शिट व्हाई डिड दे स्टैक इट लाइक दैट. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल बिकॉज़ लुक व्हाट हैपेंड. दिस इज द कोकोनट वन. दिस इज द बर्थडे कुकी. ये कोकोनट है गाइस. ये बर्थडे और वो नीचे प्लेन चॉकलेट चिप है. मतलब उनमें इतनी सेंस नहीं थी. इसके ऊपर ना रखते. ये सारा सब गंदा हो गया. ठीक गाइस आई एम गोना क्लीन इट अप एंड देन टेल यू माय रिव्यू. बट माय फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई जस्ट थॉट के आई ओ यू अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन के ये व्लॉग इतने अजीब टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बन रहा है. क्या इसका मसला पंगा है भाई. सो आई एम श्योर आप लोगों ने देख ही लिया होगा और सुन भी लिया होगा. बिकॉज माई वॉइस लिटरली स्टिल साउंड हॉरिबल. तो वो मैं ब्लॉग शुरू कर रही थी. हर दिन कोशिश में थी कि कोई बात नहीं कुछ ना कुछ बन जाए. बट वो फिर आपको पता है वो फिर नहीं बन रहा था सही. और वो बस जितनी एनर्जी थी उतना दिन का उतना टाइम स्पैन का बन रहा था. एंड देन आफ्टर दैट आई वाजंट एबल टू व्लॉग इट. लाइक द कंटिन्यूएशन उसकी मुझसे नहीं हो पा रही थी. सो वो मैंने फिर कहा कि वो मैं क्लिप ज़ाया क्यों करूँ. एटलीस्ट आप लोग वो थोड़े उन दिनों के पार्ट्स देख लें. तो मैंने सब ज्वाइन कर दिया आज के व्लॉग के अंदर. तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा उसको देख के. बट एनी वे बीच में हमारी बात वो वाली भी रह गई. सो बेसिकली एनिवर्सरी वाली. सो बेसिकली उसामा वाज ट्राइंग टू प्लान अ सरप्राइज फॉर मी कि लाइक गिफ्ट और ये सब कुछ. तो वो हुआ ये कि वो मुझे पता चल जाता. ही इज़ नॉट वेरी गुड एट कीपिंग सरप्राइजेज एनी वे. तो वो मुझे पता ही चल गया था एनी वे कि क्या सीन है. लाइक पूरा नहीं पता चला था बट लाइक एन आइडिया मुझे मिल गया था थोड़ा बहुत. तो देन फिर आई आस्ट हिम. मैंने कहा आप क्या किन इरादों में हो, क्या आपका सीन है. तो फिर ही सेड कि अच्छा मैं बता ही देता हूँ बिकॉज आई एम गोना नीड योर साइज एंड एवरीथिंग. तो या तो आप मेरे साथ चलो और साथ जाके कर लेते हैं. बट देन फिर मैं दूंगा एनिवर्सरी वाले दिन पे ही. एंड यू हैव टू एक्ट लाइक यू नो गॉट इट ऑन दैट डे एंड दिस एंड दैट. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है फाइन. तो फिर हम लोग उस दिन इस्लामाबाद गए हुए थे बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू चेक आउट अ फ्यू ज्वेलर्स. एंड बेसिकली ये हमारी एनिवर्सरी का एक ट्रेडिशन सा बन चुका है अब कि एवरी वेडिंग एनिवर्सरी. लाइक जैसे शादी हुई थी जिस साल, उस साल ही गेव मी अ वेडिंग रिंग. वो जो मैंने डायमंड वाली पहनी होती है आपने देखा होता है. सो देन फ्रॉम द नेक्स्ट वन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड गिविंग मी लाइक अ रिंग फॉर एवरी एनिवर्सरी. सो जो मेरी सेकेंड एनिवर्सरी थी उस पर उसामा ने मुझे दिया था एक बहुत खूबसूरत पीपल्स की रिंग थी. वो पीपल्स कैनेडा की रिंग थी. ही सरप्राइज मी विद दैट ऑल्सो. हिज खाला वॉज कमिंग फ्रॉम कैनेडा. तो उसामा ने यहाँ से उनको पे किया था क्रेडिट कार्ड पे. एंड देन इट गॉट डिलीवर्ड टू खालाज हाउस. एंड देन खाला जब आई थी कैनेडा से पाकिस्तान तो वो रिंग मेरी आई थी. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. वो बहुत खूबसूरत अंगूठी है. सो
सॉरी गाइस, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो ये अजीब अजीब आवाज़ों का आप लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा. सो दैट वाज लाइक अ डायमंड एंड अ लैब क्रिएटेड एमरल्ड रिंग मैं पहन के आपको दिखाती हूँ. तो वो भी बहुत खूबसूरत थी. तो वो फिर सेकेंड एनिवर्सरी ऑनवर्ड्स ना उसामा ने ये एक ट्रेडिशन सा बना लिया था कि मैं आपको हर एनिवर्सरी पर रिंग दूंगा या कोई ना कोई ज्वेलरी पीस दूंगा. सो दिस वॉज द रिंग दैट आई गॉट माय सेकेंड एनिवर्सरी. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ साइड्स पे डायमंड्स हैं, बीच में एमरल्ड है. बहुत खूबसूरत रिंग है. इट्स फ्रॉम पीपल्स डायमंड्स. सो सेकेंड पे ये ली थी. फिर थर्ड पे ही गेव मी समथिंग एल्स. ही कुडंट गेट अ रिंग सो ही गेव मी अनदर थिंग. एंड उस टाइम आई वॉज लाइक इतनी अंगूठियाँ अभी शादी की पड़ी हैं तो अभी नहीं करते. सो नाउ दिस ऑन द फोर्थ वन ही इज लाइक नो आई वॉन्ट गेट बैक टू दैट. सो ऑन द फोर्थ एनिवर्सरी नाउ वे लाइक he took me like to a lot of different stores and usne khud pick ki hui thi patiala se jaake koi kyunki he'd seen my vlog and he was like I saw that you were looking for a ring at haneef and patiala to haneef wali jo mujhe pasand thi wo available nahi thi and I think to be very very honest that was a bit not a bit extremely over budget also because the ring that I liked at haneef wo us waqt jo aapne mere vlog mein dekha hi hoga tab wo ring like 5-5.5 lakh rupaye ki thi. So you know, yeah, that's a bit too much. So then he went to Patiala, and this all mujhe nahi pata tha. Then he went to Patiala, he picked something from there, and then when I found out that he's doing a surprise, toh phir I asked him, maine kaha, "Acha, mujhe dikhaye aapne jo pick kiya hai." Maine, you know, I'll give you my opinion ki achhi lag rahi hai, nahi lag rahi, whatever. So when I saw it, wo isi kind of is tarah ki thi, but all diamond. Matlab usme color nahi tha koi. Jaise ye green hai, usme it had no color. So then I told him that I already have my wedding diamond ring and mere paas ye bhi hai aur ek do hain jo mama ne bhi di hui hain jo isi tarah silver based hain, matlab like hain to ye gold mein set magar silver color ki hain, overall look inki silverish hai. So I kind of don't want another one like that. So then I asked him that if you are okay with it, can I choose my own ring? So he said of course aapne pehni hai, aapka gift hai to aap karo choose. So I've always wanted apni shaadi ke time se ek plain solid gold band. Nothing fancy, just a plain solid. जैसे आदमियों का होता है, जैसे उसामा की शादी का पता नहीं वो तो अपना पहन के गया होगा वरना साइड टेबल पर अक्सर पड़ा होता है. बिल्कुल सॉलिड गोल्ड का बैंड था, ठीक है. तो आई टोल्ड हिम आई वॉन्ट दैट लाइक आई वॉन्ट दैट मैचिंग विथ यू अ गोल्ड बैंड. अक्सर आपका दिल नहीं होता इस तरह का कुछ उठा हुआ उठी हुई बेस वाला पहनने का, तो जस्ट अ गोल्ड बैंड. सो ही सेड आर यू श्योर लाइक दैट्स टू सिंपल एंड ऑल बट. आई सेड नहीं, मुझे आई थिंक आई लाइक दैट. सो अल्हम्दुलिल्लाह से देन वी वेंट एंड प्लेस दी ऑर्डर फॉर दैट. वो मेरे साइज पे बन गई है, वो आ भी गई है. लाइक हम गए थे कल पिक करने एंड इट्स हियर. बट ही वॉन्ट्स टू गिव इट टू मी ऑन द एनिवर्सरी. ही वॉन्ट्स मी टू वेयर इट अप आफ्टर द एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. सो इसलिए वो मैं आपको भी नहीं दिखा सकती, बट मैंने कहा अपडेट दे दूँ बिकॉज वो इतना सस्पेंस बीच बीच में मचा हुआ था. तो या सो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी कि उसने इतना सोचा, इतना लाइक he saved up for it or I don't know what, like he planned it for a very long time because obviously you guys know gold rates are also extremely insane right now. हमारी जब शादी हुई थी तो उस टाइम पे मुझे याद पड़ता है कि लाइक 90,000-98,000 का तोला था. इट्स अराउंड 240 नाउ. कैन यू इमेजिन इतना महंगा. बट yeah, so we bought that ring and inshallah once we do the celebration मैं आप लोगों के साथ share भी करूँगी and then I'll give you guys the details of it and everything in case any of you wants to go and get the same kind of thing. But I like simple things. I don't like very in the face type. Or वो एक classic band है which I can pass on. You know, like it's a forever ever ever thing. मतलब उसमें कोई ऐसा design style कुछ है ही नहीं कि वो out of style हो या कुछ. It's just a classic solid gold band. तो very happy with it. मैंने कहा आप लोगों को update करूँ. इंशाल्लाह जैसे ही आएगा आप लोगों को दिखाऊंगी. आपको पता है यहाँ इस चैनल पे कोई सस्पेंस और कोई ड्रामेबाजियाँ और प्रैंक और ये वो ड्रामे नहीं होते. सो आई जस्ट थॉट एक खुशी की बात है, आई शेयर इट विद यू गाइज. तो ये था गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग. इफ यू डिड प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. अ लॉट ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें. उसी तरह वो चैनल ग्रो होता है, उसी तरह मैं मोटिवेटेड रहती हूँ टू मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल. सो प्लीज़ डू मी दैट फेवर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इफ यू इन्जॉय माई वीडियोज़, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें. मैं आपको दोबारा मिलूंगी इनशाला. अब तबीयत बेहतर होती जा रही है, सो आई विल मीट यू अगैन इनशाला इनशाला विद अनदर ब्लॉग. एंड या तब तक के अल्लाह हाफिज़.